वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस विषय ते मैनू बोलन दा हुक्म होया, मेरा ख्याल है कि ओ विषय थोड़े वास्ते कोई बेपेता जां नवां नहीं, क्योंकि पिछले समय च सिखां दी होंद दा मसला कि मसला साड़ी होंद दा ये मुहावरा बहुत प्रचलित होया, खास करके किसान अंदोलन दौरान इन्हें इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया दीप सिद्धू ने। क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई किसान आगुआ नाल कलाकारां दी, जिहड़े पंजाबी कलाकार सी, कोई गीतकार सी, कोई गाउण वाला सी, कोई एक्टर सी, वो किसान अंदोलन की सपोर्ट च आ चुके सी, ते फिर कुछ गल्लां तय करनियां सी कि यह रिश्ता किस किस्म का चलूगा। सो वो मीटिंग रखी किसान यूनियन के आगुआ ने। वो मीटिंग रखण दा मकसद यह सी, क्योंकि तुसी एक गल नोट करो, भविख च भी तो पहला भी आप देखा है, जथेबंदी बनाउणी साडी अनसर दी लोड़ है। जथेबंदी तो बगैर संघर्ष नहीं हुंदा, जूझा नहीं जांदा। पर जदों जथेबंदी बन जांदी है तां एक इनसिक्योरिटी भी आउंदी है, भी जिवें एक सरमाया मेरा मैथों कोई खो के ना लै जी। ये तुसी हर जगह देखोगे, पोलीटिकल लैवल ते भी, भावें कोई विद्यार्थी जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, मुलाजम जथेबंदियां, ये जिहड़ा असुरक्षा का भाव है उन्हां च, इनसिक्योरिटी भी साडी कीती कराई का कोई होर ना खो के लै जी। वो जिहड़ी मीटिंग हुई पहली, वो इस एहसास चों, इस डर चों हुई सी किसान यूनियन के आगुआ, क्योंकि कलाकारां दी फॉलोइंग बहुत हुंदी है, वो बड़े स्टार हुंदे, लोकां च उन्हां दा नां हुंदा है, ते अगे नूं इह लगदा वी जदों इह आउणगे किते ना होए वी साडी चमक मद्दम पै जे ते इह वध छा जाण। सो उन्हां ने इह कुछ गल्लां तय करनियां सी वी तां कि असीं आपदे आप नूं सिक्योर कर सकीए। सो उत्थे फिर जिहड़ी गल उन्होंने लियांदी, वह यह लियांदी कि किसान अंदोलन असी खड़ा किया, असी लड़ांगे, इहदी अगवाई असी करांगे, सारे फैसले साडे होणगे, कलाकारां ने इहदी हमायत करनी है, बस पैसिव रोल कह सकदे आ कि फैसलियां दे विच कोई दखल नहीं हो, वह सारे कलाकार बाकी मन गए सीगे। वह किसान भवन दे विच पहली मीटिंग हुई सी चंडीगढ़, जिथे दीप सिद्धू ने फिर यह गल लियांदी सी भी मैनू यह गल मंजूर नहीं, भी फैसले तुसी करोगे, असी सिर्फ थोड़ी हमायत करांगे, क्योंकि साडे भी कुछ स्टेक्स हैगे है, ये थोड़ा कि थोड़े ही सारा कुछ, भी साडे सामने भी कुछ सरोकार, कुछ कंसर्न हैगे, असी तां ही कर रहे हैं ना, होर असी क्यों मदद कर रहे हैं, भला क्यों सरगर्म हो रहा है कलाकार, उन्हां दे भी कुछ खदशे हैगे है, उन्हां मंगां मसलियां नाल जिस अंदोलन चल रहा उन्हां दे भी तां कुछ जुड़िया होया ना, उन्हां दी तकदीर दा भी उन्हां कुछ संबंध जुड़ता है, इस करके भी ये रिलेशनशिप भी फैसले तुसी करोगे, असी सिर्फ सपोर्ट करांगे, ये ठीक नहीं। उत्थे उन्हें फिर एक गल लियांदी सी भी थोड़ी मुख मंग जिहड़ी है वह हैगी है MSP दी, मिनीमम सपोर्ट प्राइस दी। उस मौके पहला वह मिनीमम सपोर्ट प्राइस की सारी गल रखते सीगे भी सानू वह मिल जाए, बस वो लड़ाई नूं डिफाइन करता किसान यूनियन के आगुआ ने भी साड़ी लड़ाई मिनीमम सपोर्ट हासिल करन दी है सरकार दे नाल।
दीप सिद्धू ने इन्हू होर तरह डिफाइन करता, क्योंकि अपेरेंटली यही लगता सी गल देखने जा रहा तौर पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट नुकता होंदा है, अपीयरेंस एंड रियलिटी, इन्हां च एक फर्क होंदा हमेशा ही। अपीयर जो अपीयर होंदा है तुहानू दिखदा है वह रियलिटी जरूरी नहीं। जिवें मैं कई थावां ते उदाहरण दित्ती है कि जदों आपां आम देखांगे आपां लगूगे कि जिहड़ा सूरज है धरती दुआले घूमदा, इधरों चढ़दा उधर छिप जाता, यह अपीयरेंस है रियलिटी। सो अपीयरेंस तो तुरना ते रियलिटी तक जाना साइंस का काम ही यह है, अपीयरेंस पिछे ना जाना। सो दीप सिद्धू ने यह गल लिआंदी सी कि ठीक है लड़ाई MSP दी है, पर साडे वास्ते बड़े कंसर्न है साडी होंद का मसला, जिथे उन्हें बड़ा एम्फेटिकली एम्फेसिस दे के गल कही। उदों बहुते बंदियां नूं इस गल की समझ नहीं सी आई भी मसला होंद का की, भला होंद तो भाव की है। भावें आम बंदियां नूं समझ नहीं सी आई, पर एहसास दी लैवल ते लोकां नूं सी भी हाँ आ गल ठीक है। इस करके वह मुहावरा फिर इन्ना प्रवान हो गया, इन्ना प्रचलित हो गया भी पिंडां दे विच अनपढ़ औरतां भी जदों बोलदियां सी किते वह यह गल कह दिंदियां सी साडी होंद दा मसला है। हुण एक सिद्धांतकार जां पढ़े लिखे बंदे च ते अनपढ़ च यह एक फर्क होंदा है, वह चलदा आपदे अहसासां तों ते पढ़िया लिखिया बंदा चलदा आपदे विचारां तों। उन्हें जो पढ़िया जो उन्हें समझिया जो उन्हें रिड़किया उन्हें वो कुछ तत् कढ़दा चलो उन्हें थ्योराइज कर दिंदा है। आम बंदे तो वो गल थ्योराइज नहीं होंदी, पर फील कर रहा होंदा कुछ एहसास होंदा। सो मैं जिहड़ी अज गल हैगी है भी होंद का मसला यह है कि यह पापूलर तो बहुत हो गया मुहावरा मसला साडी होंद दा, पर इहदियां सारियां तहां सारियां शेड्स वो की बनदियां वो लोकां नूं अजे स्पष्ट नहीं। आपां इह मन के चलीए ते जिन्ना चिर वो स्पष्ट नहीं होणगियां असीं आपदी होंद नूं कायम रखण दी जिहड़ी लड़ाई है वो बहुते इफेक्टिव ढंग नाल नहीं लड़ सकांगे। सो हुण आपां जिन्ना कु समां इत्थे है मैं यही यतन करूं कि इस गल नूं कि होंद दा मसला की है। हुण इहदे विच जिहड़ा सब तो पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण वो हैगा कि एक होंद दा एक पक्ष तां जिस्मानी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। इको दा पक्ष हैगा सिंबोलिक, जिथे जिस्मानी नहीं गल उस तो बखरी भी कोई गल है। जो सिखां दी होंद मिटण दा खतरा कहने आ तां इह नहीं सिखां नूं किते भी इस गल दा कोई लग रहा भी साणू जिस्मानी तौर ते खत्म कर देणगे, क्योंकि उहनां कोल इक इतिहास पिआ भी जदों असीं अजे हजारां दी साडी गिनती सी 18वीं सदी च जदों सिरां दे मुल पै गए सी भी उह उदों नहीं साणू तां जिस्मानी तौर ते तां खत्म कर सके, ते अज तां असीं किन्ने फैल गए दुनिया दे विच। इह तां इह नहीं होणा कदे भी, पर फिर भी एक खदशा ते डर पिया अंदर भी साडा कुछ खत्म किया जा रहा है ते सिस्टेमैटिकली किया जा रहा है, कॉन्शियसली किया जा रहा है, यह एहसास है। बस इहनू इह कुंजी खोलण दी लोड़ है कि साडा कुछ खत्म किया जा रहा है, वह जिसमानी नहीं पर वह जिसमानी नाल वध अहम है। भी जे वो कुछ खत्म हो गया, जे कुछ निकल गया साडे चो जिहनूं असीं कुछ कहने आ, फिर सिख नहीं। क्योंकि सरदार जगजीत सिंह ने एक लाइन बड़ी खूबसूरत लिखी है, जिहड़ा उहनां दा सिख इनकलाब किताब है ना उहदे फिर अगे होर लिखियां उहनां ने इनकलाबी लहरां दे प्रसंग विच सिख लैर, उहदे विच एक थां ते उह कहिंदे आ
सिखी बगैर सिख की। इहदा मतलब जिस्मानी वजूद भावे होवे जे सिखी नहीं तो फिर वह सिख कादा। पर इहदे नाल एक दूजा पक्ष भी आपां देख लीए, जे सिख नहीं तो सिखी भी की, कित्थे सरवाइव करूगी सिखी। सो जिस्मानी ते जिहड़ा दूजा पक्ष है साडा, वह पक्ष साडा हैगा कि सानू गुरु साहिबान ने कुछ आदर्श दित्ते, कुछ वैल्यूज दित्तियां, कदरां कीमतां दित्तियां, कुछ फर्ज ते जिम्मेवारियां ऐद कीतियां, कुछ निश्चित सिद्धां साडे वास्ते तय कीतियां कि सिख का किरदार किहो जिहा होना चाहिए। जिदे सिख ने वह शर्तियां, वह जिसमानी तौर पर सिख रहिंदा होया भी वह सिख गुरु का सिख आपदे आप नहीं कह सकू। सो अज जिहड़ा खतरा सिखां दे सामने, जिहड़ा होण दा खतरा आपां कहिंदे आ, वह आ खतरा है कि साडी जिहड़ी विलक्खणता जिहड़ी देवल साहब ने गल कीती सी कि वक्खरा कहन दी लोड़ नहीं, वक्खरा वक्खरा होना कोई गल नहीं, विलक्खण होना विशेषता सोडी विलक्खणता की है, न्यारापन जिहनूं आपां बहुत शब्द चलदा है, साडा न्यारापन की है। जिद्दे सिख दा न्यारापन खत्म हो गया सिख खत्म हो गया। सो आपां अपने सिख लड़ाई लड़ रहा आपदे न्यारेपन नूं बचाउण दी। हुण ओह न्यारेपन नूं खतरा की तो है, क्योंकि इस तों पहलां मैं एक गल होर थोड़ी जी स्पष्ट कर दिया, जिहड़ा जिस्मानी तौर ते किसी कौम नूं खत्म करन दा खतरा है वह अज हैगा आपां देख सकते हैं फलस्तीनियां सामने, भी जिस किस्म दा उन्हां ते अटैक अज हो रहा है उत्थे जतन यह है भी इन्हां दा बीज नाश कर दिओ, उत्थों घट्टो घट्ट उह उस धरती तों तां कर ही दिओ। हो सकदा मतलब उहदे चों कामयाब हो जाण। चलो अपने वास्ते ये अज ते कोई बहस का मुद्दा नहीं। सो यह भी एक खतरा होंदा किसी कौम का जिस्मानी तौर पर भी उन्हें खत्म करन दा, वो रियल खतरा भी खड़ा हो सकता होंदा। पर एक खतरा जिहड़ा जिहनूं असीं कहिंदे आं संबोलिक, वो तुहाडी पछाण नाल जुड़िया होंदा, आइडेंटिटी नाल, भी थोड़े जिसम रहणगे, जिस्मानी फिजिकल थोड़ी सरूप रहूगा, पर जिहड़ी थोड़ी पछाण है, न्यारापन है, जिहड़ा गुरु साहिबान वलों बख्शिया गया वह खत्म हो जू। सो अज साडे सामने आपां जिहड़ा अज इत्थे गलबात करनी है उहदे च यह गल करनी है कि कई वार दोवें खतरे कट्ठे भी चलते। यह नहीं कि सानू अज जिस्मानी तौर पर कोई खतरा ही नहीं। पिछला जो दौर चलिया 80वें दा ते 90वें दा, इत्थे जिस किस्म दे जुल्म होए ने जिन्ने हौलनाक, वो 18वीं सदी वाले जुल्मां तो घट नहीं सीगे, क्योंकि 18वीं सदी च साडी गिनती थोड़ी सी, इस करके ये लगदा सी उहनां नूं दुश्मन नूं कि असीं इहनां नूं खत्म कर देंगे। अज गिनती वध गई है ते असीं किसे इक्को खित्ते तक सीमित नहीं रहा सिख, इस करके जिन्ने जुल्म होए जिस किस्म दे होए उहदे च दोवें गल्लां सी कि फिजिकली भी इहनां नूं लिमीनेट करो जां अनहीलीएट करो। पर अज सब इत्थे साडे सामने जिहड़ा हैगा जिहड़ी अटैम्प्ट है मौजूदा हाकमां वल्लों वह हैगी है असिमीलेट कर, जिहड़ा एलीमीनेशन करदे ने सिलेक्टिव एलीमीनेशन, वह असिमीलेशन नूं फैसिलिटेट करन वास्ते रैला करन वास्ते करदे है, क्योंकि जुल्म कीते करदे ने
आम सिखां ते जुल्म नहीं करनगे, वह टारगेट कर लेंदे, चुन लेंदे आ कि जिहड़ा बंदा असिमिलेशन दे राह च रोड़ा बन रहा है, एक कहा जा नैरेटिव सिरज रहा है, एक ही जी चेतनता फैला रहा लोकां च, उस तो उत्ते फिजिकल जुल्म भी हो ते हो रहा है, उहदियां गिरफ्तारियां भी होणगियां, उहदियां नज़रबंदियां भी होणगियां, उहते तशद्दद भी हो ते उहनूं कतल भी किया जाओ, यह भी चल रहा है। पर उहदा मंतव की है? मंतव जिहड़ा असिमिलेशन है, जज्ब करना आपदे च, उसनूं फैसिलिटेट करना है। सो इस वास्ते किस किस्म दे ढंग तरीके वरते जा रहे हैं, यह सानू जे पूरा पता नहीं हो तो असी आपदे आप नूं नहीं बचा सका। हुण इहदे विच गल आ जांदी है कि असिमिलेशन वास्ते बड़े सूखम तरीके वरते जाते हैं, कल्ले उस तरह नहीं भी वह थोनू कुटन गए जां थोड़े ते मुकदमे दायर करते, थोनू डराया जां कुछ होर कीता, उहदे च उन्होंने खोट रलाउणा थोड़े थोड़े सिद्धांत च, थोड़े फलसफे च होर रलाउणा है। ते उहदा जिहड़ा सब तो जिथे निशाना सिध्या हुंदा है, क्योंकि सिख दा जिहड़ा सारा जिंद जान है वह हैगी गुरु च, भी गुरु का संकल्प सिख दे मन च की है भला, जे वह शुद्ध है जो अक्स गुरु दा मन दे विच, फिर सिख नहीं मर सकता। हालात किते इह जे बदलते रहिंदे ने, किते कमजोर हो गया, किते तकड़ा हो गया, वह तो दौर आउंदे रहिणगे, पर जे मन दे विच उहदे जिहड़ा संकल्प है वी गुरु की है, गुरु तो भाव की है, गुरु दा मेरे नाल रिश्ता की है, जिद्दे उहदे च खोट रल गया उहदे उहनां नूं काम करना बड़ा सौखा हो गया। इस करके हमेशा याद रखो कि उहनां दा जिहड़ा मेन निशाना है वह गुरु ते है, वी इह दसां पातशाहियां नूं मन्नी जाण, गुरु ग्रंथ साहब नूं भी मन्नी जाण, मत्थे टेकी जाण, गुरपुरब मनाई जाण, पर वह गुरु का जो एक संकल्प है, बिंब है, अक्स है, वह बदल दिओ। इस करके जदों असीं न्यारेपन की गल करते हैं ना आपदी, वह साडे गुरु तो शुरू हो जाती है। हुण जो धर्म की प्रोफेसर साहब बोल के गए, जो धर्म की स्थापना होंदी है उहदे च आपां इक शब्द वरते हां प्रॉफिट, अंग्रेजी चों आया, चलो पैगंबर आया पर फारसी चों जां अरबी चों, ते हिंदू धर्म दे विचों उह अवतार आ गए जां देवते आ गए, जो भी उहनां दे अवतार समझ लो। हुण गुरु जिहड़ा है उह इहनां सारियां चीज़ां नाल वक्खरा, ना उहनूं अवतार नाल तुलना कीती जा सकती है, ना दैट वे पैगंबर ना कीती जा सकती है। इत्थे आके मतलब साडे वास्ते एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी खड़ी हो जाती है, भी असी उन्हों बचा लिया कि नहीं। जो तो गुरु की परिभाषा हो, तुसी देखो जदों गुरपुरब मनाया जाता है, उत्थे तुसी नोट करो भी जदों दूजे बंदे आउंदे ने, मैं एक बार बंबई गया गुरपुरब ती, उन्होंने जिस किस्म के फ्लैक्स लाए हुए थे सारी बंबई दे विच, बड़ी धूमधाम नाल मना रहे थे, बीजेपी की सरकार सी, ते उहदे च महान देश भगत साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, हुण आम आपां नहीं पता लगता वी इहदे च की, आपां तो वड्याई लगती है ना, देश भगत कहना गुरु नूं की हो गया, सगों तां महिमा है दी वड्याई है, पर नहीं, जिद्दे गुरु नूं देश भगत तक संगेड़ लिया, तुसी देश तक संगेड़ लिया,
बस उत्थी सारी गड़बड़ हो। सो ये जेडे है के जिन्हों कही सूखम ढंग तरीके जेड़ा दौलत राय की किताब है साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वो हुण मैनू मतलब जो मैं देखा कि वो किताब मैं एक बार अमरीका गया उत्थे मैं एक गुरुद्वारा साहब च बोलिया इस किताब बारे भी उस किताब च ठीक है गुरु साहब की बहुत महिमा की गई है भी वह राम नालों भी बड़ा सी कृष्ण नालों भी बड़ा सी शिवाजी नालों भी राणा प्रताप नालों भी जिन्हें उन्होंने नायक है हिंदुओं के कहते सब तो बड़ा सी पर कहा कि स्पष्ट लिखा उन्हें कहना उन्हें कोई नवा धर्म नहीं चलाया कोई नवा पंथ नहीं साजा उसने जेड़ा सीगा क्षत्री रवायत धर्म भी जे वो कुछ कर सकया तो इस करके कर सकया कि वह आप क्षत्री सी सारी वड्याई गुरु की ना वो क्षत्री होने हुण तुसीं देखो भी जिहड़ी गल मुड्ढे ही रद्द कीते साडे पहले गुरु ने भी जात वंश भी वो साडे वास्ते कोई मायने नहीं रखदे वो सारी उहदी बुनियाद ही उहते खड़ी कर रहा है साहिबे कमाल पर गुण बहुत गा रहा है यह कह के हुण मैं हैरान होया सिखां दा मतलब भी उस गल नूं मौज ना हजम कर गए भी क्योंकि महिमा बहुत कीती है तो जिहड़े गुरद्वारा साहब च मैं बोल रहा सी उहदे प्रबंधक थोड़े जे जिवें मैनूं लग्गिया मेरे प्रति ना जिवें हुंदे ने वी उन्नी गर्मजोशी जी ना रही उन्हां दी बोलण तों बाद ते मैनूं कहिंदे जी तुसीं इह जिहड़ियां लवा दौलत राय वाले गल्लां कीतियां इह पहलां तां किसे ने कीतियां नहीं मैं चल नहीं कीतियां होणगियां जो मैं कीतियां गल तो उते है वो फिर बाद च पता लग्या भी उन्होंने 500 किताब मंगा के अजे पेटी पई सी खोली नहीं सी जिहड़ी मुफ्त वंडनी सी मैं प्रोजेक्ट लिखी बैठे सी भी इस गुरपुरब ते असीं इह 500 कापी सिखां दे विच मुफ्त वंडांगे लोकां दे विच ते जदों 300 साल खालसा दिवस मनाया सीगा 1999 च उस मौके हिंदी च ते पंजाबी च इस किताब दियां लखां कापियां इत्थों जिहड़ा मार्च शुरू होया सीगा आनंदपुर साहब तो लैके नदेड़ साहब तक उहदे विच मुफ्त वंडियां गईयां सी लखां दी गिणती च ते वंडियां की ने ऑल इंडिया सिख फैडरेशन दे आगूआं बकायदा फैसला करके 1978 च यह पहली बार छपी है किताब 1978 च साडी जंग शुरू हो जाती है देख लो तुसी कोइंसिडेंस देखो 1978 च खूनी विसाखी नाल लड़ाई शुरू हो जाती है 1978 च इहदा पहली बार पंजाबी दे विच छप के आउंदी है क्योंकि लिखी तां उहने उर्दू दे विच सी उर्दू च पई सी उस तों बाद इहदे इन्ने एडिशन छपे हैरान ही रह जाई एक एक साल च दो दो तीन तीन एडिशन छपाए सिखा ने बंडे सिखा ने पढ़े सिखा ने हिंदुआ ने नहीं पसंद किया इस गल क्योंकि जो यह कहता कि तो राणा प्रताप तो भी बड़ा सी कृष्ण तो भी बड़ा सी राम तो भी बड़ा सी हिंदू तो वह गल सहन नहीं होंगी उन्होंने कोई जोश उत्साह नहीं दिखाया इन वंडन च या पढ़न दे विच पर सिखां ने बहुत दिखाया सो मैं जिथे गल करदा ना होन दा मसला थोड़ी पछाण दा मसला भी किन्ने सूखम तरीके भी थोनू जहर दे रहे हैं तो तुसी अमृत समझ के आराम ना पी रहे ये जिहड़ी कला है खास करके हिंदू दे हिंदू तो मेरा भाव जो ब्राह्मण सोच है हिंदू कोई उस तरह नहीं मतलब एक उन्हों की ट्रेडिशन है पूरी ब्रह्मनिकल क्योंकि तुसी उन्हां दे देखो कुछ गल्लां भी उन्हां दा इतिहास पढ़ लो मिथिहास पढ़ लो
उन्होंने आपके हर विरोधी सूरवीर धोखे न मारे, उन्होंने अवतारा नहीं मारिया धोखे न। इधर अपनी ट्रेडिशन की है कि यह वर्जित है किसी धोखे न मार, यह लड़कड़ के मारो सूरम गति। सो उन्होंने बड़ी समर्था है इस तरह की। मैं ये गल्ला तां कर रहा कि सानू एहसास नहीं, असी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के जकारे छड़न च भी असी किसी तो दबदे नहीं, असी मरदे नहीं। वो आप फिजिकल देख करी जाने सारी गल, वो फिजिकली नहीं मारनगे। क्यों मारनगे? उन्होंने थोनू वरतना, मतलब एक दिन वह जंग नहीं लड़ सकते सरहदा ते थो बगैर। हुण जो ये एहसास साढ़े च ना आया सिखां दे विच भी असी की करी जा रहे हैं भला, ये जिहड़ा चक्कर है ना, मैं थोड़ा जिहा इहनू खोल के आपां गल करदे हाँ ये क्यों आ जांदा। जिहड़ा कलोनीलिज्म है जिहनू असी बस्तीवाद कहिंदे हाँ, जदों कुछ मुल्कां ने जाके दूजे मुल्कां ते कब्जे कर लए, क्योंकि जिहड़ा तां मध्य युग दे विच सी वी भावें इत्थे अबदाली आ गया, भावें इत्थे अपना आदर शाह आ गया, जां इत्थे मुगल आ गए, वह गल्लां होर सी गईआं। जिहड़ा कलोनीलिज्म है जदों पछम दीआं जिहड़ीआं पावरज़ ने वह जदों उन्हां ने कब्जा कीता एशिया ते अफरीका दे विच मुल्कां ते आ के, उन्हें कुछ गल्लां नवीआं लिआंदीआं राज करन वास्ते। एक तो कोलोनाइज करनी धरती, बस्तियां बना लिया, समझ लो भारत नूं आपदी बस्ती बना लिया उन्होंने। वह इदों अगे गए, उन्होंने दिमागां नूं भी बस्तियां बना लिया, आपदी सोच आपदी विचारधारा आपदे दस्तूर आपदे आदर्श वह सारा कुछ थोनू प्रवान करने लिए तैयार कर लिया। ये वास्ते एक टर्म जी चलती है वह हैगा भी तुम इंटरनलाइज कर लिया। इंटरनलाइज का मतलब यह है किसी दूजे के विचार, वो दस्तूर, वो आदर्श, वो सिद्धांत वो थोनू आपदे लगन लग जा। थोड़ी जी गल नवी है मैं, पर यह है बहुत अहम। मैं तो थोड़ी जी इस गल थोड़ा खोल के दसन का यतन करूँगा, क्योंकि इंटरनलाइज करन दा एक तो होंदा ना अक्वायर करना कुछ, जिवें आदतां है, आदतां अक्वायर कीतियां जा सकदियां एक दूजे तो, पर आदतां छड्डियां भी जा सकदियां, अक्वायर कीती चीज छड्डी जा सकदी है। जिहड़ी तुसीं ऑब्जॉर्व कर ली, इंटरनलाइज कर ली, वह फिर थोड़ा पक्का पार्ट बन जाती है। ये दोहां चीज़ां च फर्क है। सो अज जिहड़ा साढ़े एक एडा वड्डा सैक्शन है, मैनू बहुत बंदे सवाल करदे ने भी असीं इकट्ठे क्यों नहीं हुंदे, साडा एडा वड्डा सैक्शन अजे भी मतलब वह दुश्मन नाल खड़ा है जां साडे नाल नहीं आउंदा, उहदा कारण की है? उहदा कारण यह है उन्होंने वह गल्लां इंटरनलाइज कर लिया। उहदे वास्ते जे आपां पंजाबी शब्द वरतना होवे अंगीकार कर लिया। ग्रहण थोड़ा छोटा गल है, ग्रहण की चीज छड़ी जा सकती है, जिन्हों अंगीकार कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, ऑबजॉर्व कर लिया, उन्होंने विचार, उन्होंने दस्तूर, उन्होंने रवैये, वो सारे थोड़ा पार्ट बन गए, उदों जाके फिर एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अंग्रेजा ने मतलब जो इत्थे आए उन्होंने राज तो बाद उन्होंने हिंदुस्तान के सारे वर्गों चो एक सैक्शन यह जहा पैदा कर लिया, कल सिखा चो नहीं, हिंदुओं चो भी, मुसलमाना चो भी नहीं, एक इन्नी छोटी घट गिनती किन्ने क अंग्रेज से देखा जाए, करोड़ों लोगों को आके किवें दोबारा। सो ये फिर जिहड़ा रिवाज चलिया पिंडां दे चौकीदार, पिंडां दे नंबरदार ते जैलदार, वह सारे बंदिया ने उन्हों का कुछ ना कुछ इंटरनलाइज कर लिया। आपदे आप ही क्यों तैयार हो गए?
ਅਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੱਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕਰੇ ਪੈਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਠੀਕਰੀ ਪੈਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬਈ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੱਦ ਹੋਊਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਜੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਠੜਕ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਮਸ਼ਕਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੈਟ ਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਫਟ ਪਾਵਰ ਸੋਫਟ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟੂਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਟੂਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਲੱਗੂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ।
क्योंकि जदों मैं तुहाडे जिड्डा सी जां जदों मैं कॉलेज पढ़दा सी उदों वी लोग क्रिकेट खेडदे सी ते सारे कॉलेज चों उह थोड़े 10-12 बंदियां तों वध नहीं सी हुंदे, एक वी बंदा उहनां नूं देखदा नहीं सी हुंदा ते उहनां नूं डिसलाइक कीता, तिरस्कार दी नज़र नाल देखा जांदा सी। जिहदा भाव इह सी कि साडी चीज़ तां है ही नहीं, ये साडी नहीं। इह अहसास सी कबड्डी का मैच होवे उत्थे भीड़ां जुड़ जांदियां सी, हाकी का मैच होवे पूरे जज्बात जुड़ जांदे सीगे वी हाकी साडी आ कबड्डी साडी आ। हुण जिहड़ा इह हो गया, अज देखो तुसीं कबड्डी खुड्डे लैण लाती, हाकी खुड्डे लैण लाती। मैं बैकवर्ड पिंडां दे विच क्रिकेट दे टूरनामेंट होंदे, जिवें अगे बच्चे गुल्ली डंडा खेडदे सी ना सड़कां ते, गरीबां दे बिलकुल मजदूरां दे, ओह हुण क्रिकेट खेड रहे। सो एक क्रिकेट है जी, क्रिकेटीकरण कह लो ना, एक्चुअली हिंदू करना है, ये सॉफ्ट पावर है। या पछम बारे मशहूर सी कि उन्होंने कोका कोला नाल ही दुनिया जित ली, वो एक सॉफ्ट पावर सी। कोका कोला कला ड्रिंक नहीं, एक कल्चर है, कोका कोला कल्चर। तो गई स्वाद लग्या बंदियां नूं, वो वरताया उन्होंने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਲਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਡਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਆ ਦੈਟ ਵੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸਦ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ, ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ। ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਡਾਲਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਿਓ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਨੌਟੀ ਘਿਓ ਉਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਫਟ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੋਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਜੋ ਮਤ। ਅੱਜ ਨਾਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੇੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰੇ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਰੋਨਾਲਡੀਨੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਤਾਰ ਜੀ ਵਜਾਉਣ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਫਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੇ ਫੁਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ, ਵੀ ਜੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਫਟ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੋਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੋਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਾਬੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਘੁੱਟਿਆ, ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਕ ਪੂਜਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਬਣਾਤਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਰ, ਸਰਦਾਰ, ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਭੰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀਰੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਦਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਗਿਆ।
हुण तुसीं इह शब्द एक सेंटेंस देखो की अवस्था उपला उस बंदे दी किन्ना चा चढ़िया पिया किसे नूं पता है तत्थ दा किसे नूं नहीं पता भगत सिंह दे नाल उही जोड़तियां कई गल्लां जिहड़ियां वापरियां भी नहीं हुण ओह इक्को ही इमेज जिहड़ा इन्ना प्रचलित कर देना उहदा इक कारण सी कि उन्हें सिक्खी विरुद्ध वरत्या जा सकता सी और किसी चीज ना सराबे ना होर कतरी बाबियां उन्होंने सिक्खी के विरुद्ध नहीं वरत्या जा सकता ना ऊधम सिंह उन्हां चो एक मतलब वह चुन लिया हुण इह च भगत सिंह का कसूर कोई नहीं आपां कहीए भी उहदा कसूर है ना भगत सिंह छोटा बन जांदा इहदे नाल ते ना साडे मनां चो उहदे प्रति कोई सत्कार घटना चाहीदा मतलब मेरी इह धारना जो सॉफ्ट टूल्स है ना इन्हों जो तुम इन बारे गल भी करनी है तो उदों भी थोड़ा जो तरीका है वह दूजा कुहाड़े वाला नहीं होना चाहिए भी गाला कढ़ो या निरादर करो कि ये कहो भी जो डर गया फांसी चढ़ा यहां गल् जोड़ने की लड़ नहीं मन के चलो बहुत बहादुर से सूत यह तो सू उतराज ही कोई नहीं भगत सुनना चंगी गल है मतलब बहादुर सीगा पर उहदी वरतों किवें हो रही है फिर उहदियां फोटो किहड़ियां प्रचलित हो रही हैं मतलब गिण मिथ के जिहड़े हैगे ने खास करके जिहड़े सैकुलरिस्ट ते लैफ्टिस्ट उह उहदी पग वाली फोटो नहीं वरतणगे जिन्हें कैलेंडर छाप देन उह आपदे जां कुछ होर कर देन उह जाण बुझ के उहदी दूजी टोपी वाली फोटो जिहड़ी उहने कुछ दिन पहनी कुछ दिन की एक दिन ही पहनी सी जो तो लाहौर चो निकलिया एक दिन उन्हें वह मतलब टोपी पा के निकलिया बस उदू बाद उन्हें कितने भी नहीं पाई वो एक दिन कुछ घंटिया वास्ते पाई जिहड़ा उहदा पहरावा उन्हें मतलब उन्हें वह बना लिया सो यह भी जिहड़ा हैगा शहीद भगत सिंह का एक एडा इमेज ये भगवंत मान ने पिछे ला लिया आपदे ना फोटो या सारे थावां ते अज भी बाकी शहीदां नूं जिहदा मतलब भुल जाओ बस इहदे विच ही आ गए सारे ते शहीदे आजम ते मैनूं तां इतराज हैगा सिद्धी गल भी सराबा क्यों नहीं जां शहीदां दी दर्जाबंदी क्यों करदे हो तुसीं शहीदां दी दर्जाबंदी हो सकदी भी आह वड्डा शहीद सी आह छोटा शहीद सी असीं पंजवें पातशाह नूं होर पक्खों कहिंदे आं शहीदे आजम उत्थे तां कोई दर्जा दे तुलना ही तां मतलब ही कोई नहीं जां शहीदां दे सरताज आपां कहनी आ सो इह तां इक चल रही परंपरा च इक शहीद है सो थोड़े जिहदा मतलब थोथों आपदे सारे नायक हीरो खो के वो उन्होंने इम्पलांट करते किस तरह के यह सॉफ्ट पावर है स्कूल जय हिंद कहना नैशनल एंथम गाउना जिहड़ियां सुचेत कौम है वह स्ट्रगल कर दियां इस गल ते भी ये साडा एंथम नहीं ईवन बाहर जिहड़े कई मुल्क भी ना वड्डे उत्थे उन्होंने राज्यां नूं दित्ते हुए ने अधिकार उन्होंने झंडे आपदे आ उन्होंने एंथम आपदे है एक बराडर एकता भी है क्योंकि उत्थे असिमीलेट करन दा कोई रौला नहीं भी राज कट्ठे भी है कुछ गल्लां ते ते कुछ नाल दे आपदे फर्क भी हैगे ठीक है सो इस करके हम बंदे मातरम कहना किसी नूं कुछ नहीं पता कि उहदा मतलब की है उह कित्थों शुरू होया उहदा ओरिजिन की है मतलब तां जिहड़ा बैंकम चंद्र चैटर्जी का नावल है वह तो उहदे च मतलब एक आउंदा भी जदों हिंदू भीड़ां नूं मुसलमानां नूं जदों साड़दियां मारदियां वह बंदे मातरम दे नारे लाउंदे उत्थों शुरू होया किसी नूं कोई पता नहीं बस वह चालू करता तो वह लागे नारे मार सो कि चीज़ अडोप्ट करनी है कि छड़नी है ये पता होना चाहिए कि साड़ी है कि साड़ी नहीं ये पता होना चाहिए सो जिहदा मतलब असी वह आत्मीकरण कर लिया उन्हां दा साडे सिख किन्ने इस गल दे उत्ते मतलब
चौड़े हो दसते है भी साथों चीन आले डरते हैं साडे फौजी कहणगे असी कश्मीर च इस तरह किया सानू देख के कंबन लग जाते कि सिख थी सरकार दे पुरजे हो तुसी तनखाहां ते काम कर रहे हो तो यह कि बहादरी है ये गल्लां ना जिहड़ियां साडे किरदार नूं ढाल आ रही जदों सिख किरदार ना रहा तो सिख भी नहीं रहूगा किरदार तो बिना सिख तो यह सारियां गल्लां उहदा एक पार्ट बनदी सो इस करके ना जो आप होंद की गल करनी है उन्हों कला जिस्मानी पक्ष तो ना देखो वो सब तो अहम गल है आइडेंटिटी पछाण तो पछाण दे विच थोड़े आदर्श थोड़े सिद्धांत थोड़े दस्तूर थोड़िया कदर कीमत थोड़ा किरदार वह जो खत्म हो जूगा दूजे तो डिफरेंशिएट ना हो हिंदुओं को तुसी कर सो इन चीज़ों का फर्क पाना पऊ अज सानू ओपरियां लग सकदियां पर एक स्टेज आओ तुसी देख लो जो क्रिकेट के मैचों का सिख बाइकट करिया कर एक आऊ ये इदो बिना सरना नहीं ये कोई तंग नजरी नहीं ये लंघियां बाकी सारिया कौमां ही लंघियां जोगोसलाविया दे विचो सत मुल्क निकले न तो खेडां चो बहुत अगे सी तो वह जेडे दूजे सीगे क्रोटिया वाले जां होर वह कहिंदे हुंदे सी यार कदे असीं आपदे झंडे थले भी ओलंपिक च जावांगे मैडल जितांगे मैडल तो जित लैंदे सीगे नैशनल एंथम भी वजदा सी पर उहनां दा नहीं सी वह स्वाद नहीं सी आउंदा अज उह आपदा आपदा कर रहे सो यह गल्लां उठनियां चाहीदियां यह कोई यह नहीं भी देश नूं तोड़न दी गल इह ते दबाव हेठ क्यों आई है यार इस गल दी भी आपदा आपदे आप से माण करना आपकी परंपरा से आपकी विरासत से आपकी पछाण से आपके इतिहास से ये ना जो देश टुटता फिर तो बचना नहीं देश को दबा हेठ ना आओ तो ये जिन्ना चर साढ़े च दृढ़ता नहीं आऊगी उन्ना चर असी नहीं सो मैनू जदों आह लाला दौलत राय की किताब वाला तुसी देखो कांड सारा भी साड़ी चेतना का हाल की है ये उदों दी गल्लां 1999 च जो असी पंजाब च किन्ना लहू डोल चुके भी सानूं तां आपदा राज चाहिए ते परा दिमाग च किड्डी गड़बड़ पई सो यह गल्लां हौली 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 लोकां दे विच डिसेमिनेट करनियां पैणगियां ते जिहदे च ऐ नहीं भी साल च एक दिन किते कोई सैमीनार कर लिया ते बस उहनूं इक सरगर्मी दिखाती कंटीन्यूअस कंसिस्टेंट एजुकेशन दा जिहड़ा प्रोसैस है जिवें सिंघ सभा लहर ने चलाया सी सिंघ सभा लहर ने अहसास कर लिया सी भी गल गई जिथे फिर नारा आ गया भी सिख हिंदू नहीं नारा ही लाउणा पिया ना एक हिसाब सो वह नखेड़ के दिखाता उन्हें सो इस स्पिरिट नाल इस पैशन नाल कम करना पऊगा कई बंदे कह देंदे ना कि असीं की करिए जी सानूं दसो कुछ करन तां इन्ना कुछ पिया तुसीं आपदे घरां तों शुरू करना पऊगा आ साढ़े वेहदियां वेहदियां करबा चौथ सिखां दे विच आवड़ा देख लो करबा चौथ की छुट्टी कदे मैं सुनिया भी नहीं सी भी करबा चौथ की भी छुट्टी हुंदी है तो उन्हों आपका त्यौहार बना लिया सारा सो ये गल्लां है जिहड़ियां बहुत सानू सीरीयसली लैनिया चाहिए क्योंकि ये साडे सिख कौम की अजोके जिहड़ा सी ना विशा अजोके समय च सिखां दी होंद दा मसला असीं आपदी होंद नूं किवें बचाउणा है तो वह है भी नहीं असीं असिमीलेट हो जाएंगे साडी पछाण खत्म हो जू साडा बकरेवा खत्म हो जू तो जिदे साड़ी पछाण खत्म होगी उदे असी गुरु प्रति झूठे हो जाएंगे सिख नूं इक्को चीज़ बचाई बैठी है कि गुरु तो बेमुख होण नूं तैयार नहीं जो उन्हें पता लग जाए ना अणजाणे तौर पर जो मर्जी हो जाए इन्ना ढीठ सिख कोई नहीं मैं देख कोई भी मैनू गुरु की कोई परवाह नहीं यह भी अणजाण पुणे च उन्हें पता ही नहीं हुंदा साहस ही नहीं हुंदा
सो इस करके इन्हां गल्लां नूं आपां जोर नाल आपदे मनां च वी वसाईए ते लोकां कोले वी लै के जाईए। इह साडी आपदी कौम नूं एजुकेट करन दा बहुत वड्डा प्रोजैक्ट, ते इह तुहाडा काम है जिहड़े कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां च बैठे ने उन्हां दा इह मेन काम। इत्थों शुरू होके सिस्टेमैटिकली ते बड़ा पेशेंटली ये चलना चाहिए। सो इनियां कु विचारां प्रवान करना, बाकी कदे फिर मौका मिलिया फिर करांगे, बाकी मसले बहुत न। सो हुण इत्थे मैं अपनी गल समाप्त करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।